हाई वेलकम बैक टू माई चैनल मेकअप फॉर एवर. मैं हूँ शर्मीली एंड आज मैं जो लुक करने वाली हूँ दिस लुक एंड विच इज ब्लैक स्मोकी आई लुक. एंड इफ यू वॉन्ट नो हाउ आई अचीव दिस लुक देन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप ऑन वॉचिंग. बट येस बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. उसके पास ही दिखेगा आपको बेल बटन छोटू सा, उसे भी क्लिक कर ले. ये क्या है, ये नोटिफिकेशन बटन है. अगर आप नहीं चाहते हो कि मेरा कोई वीडियो आपसे मिस हो तो आप उसे ज़रूर क्लिक करना. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक भी कर देना. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई फेसबुक, माई इंस्टाग्राम एंड माई स्नैपचैट. मैं इसकी लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. एंड मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी मैं उसका जो डिटेल्स है, प्राइस एंड मैंने वो कहाँ से खरीदी थी, अगर मुझे मिले लिंक तो मैं ज़रूर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड यू गाइस कैन सी माय बेस मेकअप इज डन. सो मैं डायरेक्टली मूव करूँगी मेरे आई मेकअप पे. मैं अपने आई शैडो बेस के लिए यूज़ करूँगी मेरा ब्यूटी का कंटूर पैलेट द शेड 2. बेस्ट पार्ट इज इसमें जो इस पैलेट में जो है मिरर भी है, स्मॉल छोटू सा ऐसा कुछ. एंड बहुत ईजी होता है. अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी यूजिंग माई आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश. अब मैं सेट करूँगी यूजिंग माई ये बनाना पाउडर. मैं अपने नायका का ड्रॉप द लाइन काजल यूज़ करूँगी. ये है जो मेरा क्रीज लाइन है, तो ये क्रीज लाइन के ऊपर तक नहीं जाना है, बस अपने आई लिड के पीछे भी जिसे अप्लाई करना है तो मैं इसे अप्लाई कर लूँगी. ब्लैक शेडर ब्रश लूँगी एंड इसे मैं ब्लेंड करूँगी जो ऊपर का पार्ट है, डाउनवर्ड मोशन पे ब्लेंड करूँगी. लाइन तक ही ब्लेंड करूंगी, क्रीज के ऊपर नहीं जाना है. अब मैं ट्रांजिशन कलर के लिए मेरा हुडा ब्यूटी का आई शैडो पैलेट यूज करूंगी. इसे मैं ये कलर लूंगी विच इज शाय एंड मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने फेस पे. एंड मैं ब्लैक जो मेरा काजल है उसे ब्लेंड करती रहूंगी. कलर विच इज हिना एंड मैं इसे अप्लाई करूंगी अगेन मेरे क्रीज पे. जब आप ब्लेंड कर रहे हो तो आपका ट्रांजिशन कलर जो होता है वो आपको एकदम लाइट कलर शुरू करना होगा एंड उसके बाद आप धीरे धीरे उसको इंटेंसिफाई कीजिए. फ्लफी ब्रश की मदद से इसका जो आफ्टर पार्ट है उसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि कुछ भी जो है वो हार्श ना दिखे. अब मैं थोड़ा सा डार्कर कलर लूँगी एंड मैं यूज कलर लूँगी विच इज कोको एंड मैं इसे अप्लाई करूँगी अगेन मेरे क्रीज पे. अगेन मैं एक बिग फ्लफी ब्रश ले रही हूँ एंड जो इसका आउटर फेस है उसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी. सो इट्स डन नाउ. अब मैं थोड़ा सा और डार्क कर लूँगी एंड मैं ये कर लूँगी विच इज बॉक्स एंड मैं इसे अप्लाई करूँगी अगेन मेरे फेस पे.
एंड दिस आई शैडो पैलेट इज अ बॉम्ब. लाइक ये इतना अच्छा पिगमेंटेशन है इस पैलेट का. ये ड्यूप पैलेट है लेकिन फिर भी इतना अच्छा इसका पिगमेंटेशन है कि मैं आपको बता नहीं सकती. आप देख सकते हैं अगेन मैं अपना आउटर भी जो है आउटर एज जो है उसे क्रीज कर लूंगी. अब देख सकते कि जो ब्लैक कलर ये थोड़ा सा फेड आउट हो गया है. ब्लैक शेडर ब्रश लूंगी एंड मैं इसमें से ये ब्लैक कलर लूंगी विच इज ब्लैक ट्रफल एंड मैं इसे अप्लाई करूंगी मेरे आई लिड पे. इसके नीचे तक क्रीज ऊपर तक ब्लेंड करने वाले हैं. इसे मैंने इसे अप्लाई कर लिया है एंड मैं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी एंड मैं इसमें जो क्रीज है क्रीज लाइन पे इसे ब्लेंड करूंगी. अपर एंड लोअर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करूंगी. इनर कॉर्नर्स पे एंड अपने ब्रोबन पे हाईलाइट करूंगी यूजिंग अ स्मॉल ब्रश एंड मैं उसमें अपना DIY सेटिंग स्प्रे स्प्रे करूंगी एंड फिर मैं अपना शिपाना शो में यूज करूंगी अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए. फॉल्सीज मेरा एसेंस स्लैश प्रिंसेस मस्कारा मैंने अपने ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिया है. अब मैं अपना फेस मेकअप को कंप्लीट करूंगी. मैं अपना ऑर्गो पैलेट यूज करूंगी एंड इसमें से मैं ये कंटूर शेड लेके अपना कंटूरिंग करूंगी. ये ब्लश जब अपना डार्क कलर का यूज करते हो आईज पे तो आप थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करो अपना फेस जो है. मैं अपना शिवाना शिमर को यूज करके अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए बट इससे पहले मैं अपना DIY टेक्निक से अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लूंगी. अब मैं अप्लाई करूंगी मेरा हाइलाइटर. Pro का मैट नील लिक्विड लिपस्टिक यूज करूंगी इन द शेड 409. दिस कलर इज सो प्रिटी राइट. मैंने इसे कुछ दिन पहले खरीदी थी एंड ओ माय गॉड दिस इज सो गॉर्जियस. सो यस गाइस दिस इज माय फाइनल लुक एंड दिस इज द वे हाउ आई क्रिएट माय स्मोकी आईज. अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी लुक ट्राई करूं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं. आई वुड लव टू डू दैट एंड यस स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ब्यूटी अपडेट्स. बाय बाय.